ॐ नमः सिद्धेभ्यः, ॐ नमः सिद्धेभ्यः, ॐ नमः सिद्धेभ्यः। शान्तार्जवादिगुणगणसुसाधनं सकललोकहितहेतुं शुभधामनिधातारं वन्दे धर्मञ्जनेन्द्रोक्तम्। मध्यात्मा, आज दशलक्षण पर्व का अंतिम दिन, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म। मध्यात्माओं, क्षमा धर्म से प्रारंभ होकर के उत्तम ब्रह्मचर्य तक आप आए हैं। पूजा करते करते, जाप करते करते, आराधना करते करते आत्मा विशुद्ध और निर्मल हुई है। ब्रह्मचर्य, इसके बारे में तो अभी मैं आपको सुनाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको किंचित भगवान महावीर स्वामी के समोसरण में श्री गौतम स्वामी के द्वारा मुख से निकले हुए, श्री गौतम स्वामी के मुख कमल से निकले हुए जो शब्द हैं, जो उपलब्धि हमें हुई है, रत्नों की प्राप्त हुई है, उसमें से मैं आपको कुछ सुनाऊं। दैवसिक और पाक्षिक प्रतिक्रमण में आती है वीर भक्ति। गौतम स्वामी के मुख से निकली हुई वीर भक्ति बहुत ही सुंदर है। भगवान महावीर स्वामी की स्तुति। यह सर्वाणि चराचराणि विधिवत द्रव्याणि ते सांगुणान पर्यायान विभूत भावि भवतः सर्वान् सदा सर्वदा जानीते युगपत प्रतिक्षण मतः सर्वज्ञ इत्युच्यते सर्वज्ञायजनेश्वराय महते वीराय तस्मै नमः। श्री गौतम स्वामी कहते हैं, वीराय तस्मै नमः, ऐसे महावीर स्वामी को नमस्कार हो। कैसे हैं जो सर्वज्ञ हैं, जिनेश्वर हैं, महान हैं, महति महावीर। सर्वज्ञ की व्याख्या की है इसमें। एक बार एक विद्वान ने, बहुत बड़े विद्वान थे पंडित रतनचंद जी मुख्तार, वो बोले, देखो भगवंतों की दिव्य ध्वनि जो है उसमें तीर्थंकर भगवान, केवली भगवान, युगपत तीनों लोगों को, तीनों कालों को सब कुछ जानते हैं, किंतु द्रव्य को जानते हैं, पर्याय को नहीं जानते हैं। गुण और पर्याय को नहीं जान सकते, द्रव्य को जानते हैं। पर्याय कैसे जानेंगे, जो कि तो स्पष्ट, रावण खत्म हो गया, उसके अणु अणु सब, कोई भी जीव खत्म हो गए, भूतकालीन जो है सब पर्याय विनष्ट हो गई, अग्नि में समाप्त, बिल्कुल मिट्टी में मिल गई, और आगे जो भी उत्पन्न ही नहीं हुई कैसे जान लेंगे। तो मैंने उनको ये श्लोक सुनाया, शांत हो गए, चुप हो गए और हंसने लग गए, बोले ठीक है। यह सर्वाणी, जो चराचराणी, चर और अचर यानी चेतन और अचेतन, सभी विधवत द्रव्याणी, सभी द्रव्यों को, छहों द्रव्यों को, चराचर जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश का द्रव्यों को, नौ पदार्थों को सबको, तथा गुणान और उनके गुणों को, तेषां गुणान उनके गुणों को, और पर्यायानपि भूत भावि भवतः सर्वान् सदा सर्वदा, उनकी पर्यायों को भी, सभी पर्यायों को भी भूत भावि भवतः, भूतकालीन पर्याय, अतीतकालीन, अनंत अनंत काल के पर्याय, हमारी अनंत पर्याय हो चुकी है, अनंत अनंत जन्म धारण कर चुके हम, वो सब एक एक उनकी पर्याय, एक एक क्षण की पर्याय को, एक एक क्षण की पर्याय को, श्री रामचंद्र की, तीर्थंकर महावीर की, तीर्थंकर ऋषभ देव की, सभी एक एक पर्याय को, मरीचि आदि की सभी एक एक पर्याय को, और भावी भविष्य की, महापद्मा तीर्थंकरों की सभी पर्यायों को, बाल क्रीड़ा आदि सारी उनकी सब चेष्टाओं को, सब कुछ, सर्वान सदा सर्वदा, जो सदा हमेशा सब प्रकार से सर्वकाल में जानीते युगपत, एक साथ जान लेते हैं, प्रतिक्षण मतः प्रतिक्षण जान रहे हैं, सर्वज्ञ तुच्यते, इसलिए सर्वज्ञ कहलाते हैं, नहीं तो उनको सर्वज्ञ कौन कहेगा, दिव्य कौन कहेगा। कुंद कुंद देव ने प्रवचन सार में कहा है कि अगर वो भूत भावी पर्यायों को नहीं जानेंगे जो कि, तो वो जो है उनके ज्ञान को दिव्य ज्ञान नहीं कह सकते, केवल ज्ञान नहीं कह सकते, अतीन्द्र ज्ञान नहीं कह सकते आदि। तो भव्यात्माओं, ऐसे सर्वज्ञ की व्याख्या करके महावीर स्वामी को नमस्कार किया, बहुत सुंदर है। आगे सातों विभक्तियों से नमस्कार किया है, वीरा सर्व सुरंत सुरेंद्र महितो वीरम बुधा संजता वीरेणा व्यतस्त कर्म निचो वीराय भक्त्या नमा आदि। और भव्यात्माओं, आगे जो है चारित्र को वृक्ष बनाया, इस चैत इस वीर भक्ति में चारित्र को वृक्ष बनाया। वो कहते हैं, व्रत समुदय मूलहा संयम स्कंद बंधो, व्रत जिसका मूल है, संयम स्कंद है, समिति करिकाएं हैं, गुप्ती उसमें प्रवाल है, कोपल है, गुण कुसुम गुण रूपी पुष्प खिले हैं,
और सुंदर सुंदर तपस्तरण आदि उसके पत्ते हैं आदि। इसका ये कैसा वृक्ष है? शिव सुख फलदायी, मोक्ष सुख को प्रदान करने वाला है। और भव्यों को सुभजन पथिका नाम खेद नोदे समर्था, ये दयारूपी छाया को देने वाला है आदि। भगवात्माओं ऐसे चारित्र को उन्होंने नमस्कार किया है। प्रणमामि पंचभेदम, पंचम चारित्र लाभाय, चारित्र को नमस्कार भी किया है। आगे मैं जो जरा सी बात आपको बताऊं, इसमें अंतिम एक काव्य है, धम्मो मंगलमुद्दिष्ठम अहिंसा संयम होतवो देवावी तस् परमंती तस् धम्मे से आमणो। धर्म मंगल स्वरूप है, ऐसा उत्कृष्ट है, अहिंसा संयम होतव यही धर्म है। देव भी उसे नमस्कार करते हैं जिसके मन में सदा धर्म है। अब यहाँ क्या है कि आजकल कुछ विद्वान इस के तृतीय चरण को बदल देते हैं, देवावी तस् परमंती की जगह इन्होंने कर दिया, करने लगे हैं लोग देवा वी तम नमन संति। आप चिंतन करें गौतम स्वामी के वचनों को बदलने का। आप कहें कि ये गाथाएं परंपरा से लिखी आई हैं, किन्हीं ने लिख लिख करके प्रतीक लिपि बना बना कर हमें दिया है, उनकी गलती हो गई, ऐसा नहीं कह सकते। टीकाकार प्रभा चंद्राचार्य आज से 800 वर्ष पूर्व हुए, उन्होंने भी टीकाकार प्रभा चंद्राचार्य ने भी इसी की टीका की है, देवा भी तस्य प्रणवंती, देवा अपि तस्य प्रणवंती, उनके सामने तक यही पाठ रहा है। तो भव्यात्मा हमें और आपको पाठ बदलना नहीं चाहिए, इस पर तो मैंने बहुत बार प्रकाश डाला, आगे डालते रहेंगे। अब मैं आपको ले चल रही हूँ उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की ओर। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म, आत्मैव ब्रह्म तस्मिन् स्यात् चर्येति ब्रह्मचर्य भाग, वासो वा गुरु संघेपि ब्रह्मचारी स उत्तमः। ये आगम के परिप्रेक्ष्य में मैंने श्लोक बनाया है। आत्मा एव ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा ब्रह्म स्वरूप है, आत्मा ही ब्रह्म है, और उसमें चर्या, उसमें स्थिर होना, चित्त चैतन्य भगवान आत्मा का ध्यान करना, अधिक उसमें स्थित होना, उसमें चर्या करना, उसमें रमण करना, इसी का नाम है ब्रह्मचर्य। ये ब्रह्मचर्य शब्द की व्याख्या। अथवा वो कहते हैं गुरु संघेपी वासः, गुरु के संग में निवास करना, रहना गुरुकुल में, रहना गुरु दिगंबर मुनियों के संग में, महिलाएं बालिकाएं आरिकाओं के संग में इनका रहना, ये भी ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचारी सब उत्तम है, इसका नाम ब्रह्मचर्य है। जैसे एक अंक के बिना कोई भी संख्या मायने नहीं रखती है, पहले इकाई में एक लिखेंगे, फिर आप बिंदु रखेंगे, तो आप जितनी बिंदु बढ़ाते जाएं उतनी संख्या 10, 100 और 1000 आगे संख्या बढ़ती चली जाएगी, और एक अंक को निकाल दें तो सारी बिंदुएं शून्य हो जाएंगी। उसी प्रकार से ब्रह्मचर्य व्रत एक अंक के समान है, उसके आगे सारे गुण प्रस्फुटित होते चले जाते हैं, वृद्धिंगत होते चले जाते हैं और प्राप्त होते चले जाते हैं आदि। सीता ने एक देश ब्रह्मचर्य पाला, ब्रह्मचर्य अनुव्रत अग्नि को जल बना दिया। श्रेष्ठ सुदर्शन ने एक देश ब्रह्मचर्य व्रत पाला, ब्रह्मचर्य अनुव्रत सूर्य से सिंहासन कर दिया आदि। अनेकों उदाहरण शास्त्रों में हैं, मैं इसमें बताऊं। कई बार क्या होता है, 10 लक्षण की पूजा लेकर लोग मेरे पास आ जाते हैं और कहते हैं माता जी इसकी ब्रह्मचर्य की जो अर्घ है उसकी पंक्तियाँ बदल दो। संसार में विषवेल नारी तर गए जोगीश्वरा, ये नारियों को विषवेल बनाए हमें अच्छा नहीं लगता है, इसको बदल दो। नारियाँ सती भी हुई हैं, भगवत तीर्थंकरों की माताएँ आदि, तो मैं उन्हें स्मरण दिलाती हूँ, अरे ऊपर पंक्ति पढ़े, पुरुषों को तो इससे ज़्यादा निंद बनाया है, कूरे त्या के अशुच तन में काम रोगी रत करे, बहु मृतक स्वर्ण ही मसान माही काक जो चोचे भरे। अरे कितनी गलत पंक्ति है, आप कवि लिख गए धुन में लिख गए, लेकिन कवियों की भाषा को आप उसको देखें विचार करें। उन्होंने कहा है जैसे इस शमशान में मुर्दे सड़ रहे हैं और कौवा खा रहे हैं मांस को, उस प्रकार से पुरुषों को बताया है। ये पंक्ति पूजा में कम अच्छी लगी, आचार्य वीरसार जी महाराज भी कहा करते थे। तो मैंने दूसरी पूजा सन 75 में मैंने 10 लक्षण व्रत की बहुत सुंदर पूजा बनाई है, बहुत लोग करते हैं, उसमें मेरे भाव संजोए हैं कि सीता ने और सुदर्शन आदि को ने एक देश ब्रह्मचर्य पाला,
और जो पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, विवाह ही नहीं करते हैं, पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन करते हैं अथवा छोड़कर ब्रह्मचारी बनते हैं, तो ब्रह्मचर्य व्रत का अपने आप में महिमा पूर्ण है आदि उसके गुण गाइए। खैर ये विषय अलग है, आचार्यों की कहीं भी ऐसी पंक्ति इतनी नहीं मिलेगी। तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव का तो विवाह हुआ है, दो रानियाँ थी, 101 पुत्र हुए, दो पुत्रियाँ हुई, चक्रवर्ती तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान 96 रानियाँ, उनके आदि ऐसे महापुरुष कितने होते हैं, श्री रामचंद्र आदि महापुरुष, सती सीता आदि। तो उन लोगों के सामने ऐसी पंक्ति नहीं रखी जा सकती, उन लोगों के लिए ऐसी पंक्ति नहीं लिखी जा सकती है। खैर तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना भव्यात्मा, ब्रह्मचर्य अनुव्रत का भी अपना महत्व बहुत है, और आप अगर पूर्ण ब्रह्मचारी बन जाए तो अच्छा है, नहीं तो कम से कम पर्व के दिनों में 16 कारण पर्व, 10 लक्षण पर्व, आष्टानिक पर्व, तीर्थ यात्रा में आप ब्रह्मचर्य व्रत धारण करें, और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ब्रह्मचर्य अनुव्रत धारण करें। संसार में आपकी विवाहिता पत्नी के सिवाय जो भी महिलाएं हैं, बड़ी हैं माता के समान, बराबर की हैं बहन के समान, छोटी हैं पुत्री के समान, ऐसे ही महिलाओं के लिए पातिव्रत धर्म भारतीय संस्कृति का प्राण है, भारतीय संस्कृति का मूल है पातिव्रत धर्म। महिलाओं के लिए एक पति का ही विधान है, ये नियम है, पति के बाद या तो वो विधवा कहलाती है, और या तो जन आर्य का दीक्षा ले ले, या श्वेत वस्त्र में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए रहे सात्विक स्थिति में आदि। तो ये सब वर्णन है शास्त्र में, कहीं भी आप द्रौपदी को जो पंचभर्तारी कहा है तो दिगंबर जैन ग्रंथों में उसे पूर्ण रूपेण निषेध किया है, पूर्ण रूपेण बताया है, हरहंस पुराण आदि देखें, जैन महाभारत, कि वो जो है उसके युधिष्ठिर और भीम पिता के तुल्य थे, नकुल सहदेव पुत्र के तुल्य थे, अर्जुन को उसने बरा था, पंचभर्तारी सती नहीं हो सकती आदि। तो ये सब इसे आगे समझने के हैं। ब्रह्मचर्य व्रत में आप प्रतिदिन भावना भाएं, ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करने वाले महापुरुष लोकांतिक देव पद को प्राप्त कर सकते हैं। भीष्म पितामह ने ब्रह्मचर्य व्रत पाला, और युद्ध भूमि में भी प्राण गए, मुनियों ने आकर उसी संलेखना करा दी थी, संथारा दिला दिया था, और युद्ध भूमि में मर करके लोकांतिक देव हो गए। आज भी मुनि लोकांतिक पद को प्राप्त कर सकते हैं, शुद्ध ब्रह्मचर्य को पालन करने वाले महामुनि दिगंबर मुनि, दिगंबरी मुद्रा ब्रह्मचर्य की कसौटी है, अपरिग्रह की कसौटी है, अपरिग्रह ब्रह्मचर्य की कसौटी है। तो भव्यात्माओं, अब मैं भगवान शब्दों की ओर आपको ले चलूँ संक्षेप में। सर्वार्थ सिद्धि से अवतरित होकर के आषाढ़ कृष्णा द्वितीया को अहमेंद्र का जीव माता मरुदेवी के गर्भ में आ गया, गर्भ का नारक उत्सव मनाया गया, इंद्रों ने मनाया, अयोध्या में असंख्यातों देव परिवार को लेकर इंद्र आ गया, भगवान का गर्भ का नारक महोत्सव मनाया, माता पिता की पूजा की, पुनः बराबर रत्नों की वर्षा होती रही है, और चैत्र कृष्णा नवमी को भगवान ने जन्म लिया अयोध्या में, ऐरावत हाथी लेकर आ गया इंद्र असंख्यातों देव परिवार के साथ, अयोध्या में सब समा गए थे। ये अक्षीण रिद्धि अक्षीण शक्ति हुआ करती है, वही महिमा भव्यात्मा, ये वही अयोध्या है जहाँ युग की आदि में तृतीय काल के अंत में भगवान ऋषभदेव जन्मे थे, ये वही अयोध्या है पूज्य। उस अयोध्या को नमन करें, परोक्ष में भी नमन करें, और संकल्प करें, नियम करें कि अयोध्या का दर्शन हमें अवश्य करना है। भगवान ऋषभदेव जब बाल्य अवस्था को जन्म लिया, इंद्र ने उत्सव मनाया, जन कल्याण महोत्सव, सुमेरु पर अभिषेक किया, और आकर अयोध्या नगरी में भी अभिषेक किया भगवान का। पुनः भगवान जब बड़े हुए, उनका विवाह किया रावी राजा ने इंद्र की अनुमति लेकर के यशस्वती और सुनंदा के साथ, दो कन्याओं के साथ, उत्तम कुल में जन्मी कन्याओं के साथ। पुनः कहीं श्वेतांबर ग्रंथ में आया होगा कि सुनंदा विधवा थी, बिल्कुल गलत है, दिगंबर जैन परंपरा अनुसार दोनों कुमारिकाएं थी, ध्यान रखना। सुनंदा ने बाहुबली को जन्म दिया और सुंदरी पुत्री को, और यशस्वती से भरत आदि 100 पुत्र और ब्राह्मी कन्या जन्मी है। कालांतर में प्रभु ने प्रजा को 80 कृषि आदि क्रियाएं सिखाई, षट क्रियाएं सिखाई, जीने की कला सिखाई, राजनीति का उपदेश दिया,
आदि, और पुनः प्रयाग में वटवृक्ष के नीचे जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के 6 महीने का योग धारण किया। 6 महीने तक ध्यान में खड़े रहे। वो प्रयाग तीर्थ बन गया है, अब उसका दर्शन अवश्य करें। प्रथम भगवान ने केश लोच किया था प्रयाग में, पुनः वहीं 1000 वर्ष बाद भगवान ने वहीं दिव्य केवल ज्ञान प्राप्त किया। प्रथम आहार भगवान का हुआ है हस्तिनापुर में, उसका भी दर्शन करें आप अक्षय तृतीया के दिन। पुनः भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त करके दिव्य उपदेश दिया और कैलाश पर्वत से माघ कृष्णा चतुर्दशी को निर्वाण धाम को प्राप्त किया है। ऐसे भगवान ऋषभदेव का भव, दसवें भव मैंने आपको संक्षेप में सुनाए। भगवान ऋषभदेव दशावतार पुस्तक आप अवश्य पढ़ें, 10 दिनों में 10 धर्म का वाचन करें, और जो दशावतार पुस्तक भगवान ऋषभदेव की इसको अवश्य पढ़ें और महापुराण पढ़ें। ये महापुराण का सार है। तो भव्यात्माओं, ये 10 लक्षण धर्म, 10 लक्षण पर्व हमारे और आपके जीवन में मंगलमय हो। यद्यपि वर्ष में 3 बार आता है, फिर भी विशेष रूप में, सामूहिक रूप में, सामाजिक रूप में हम और आप सभी 10 लक्षण में भाद्रपद में ही मनाते हैं। ठीक है, आप मंत्र का जाप करेंगे। ओम ह्रीम उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मांगाय नमः। 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 ये 10 लक्षण पर्व हमारे और आपके जीवन में मंगलमय हो, हमारे में अवतरित होकर के हमारी आत्मा को परमात्मा बनाए, आपकी आत्मा भी शुद्ध पवित्र हो, परमात्मा बने, इसी भावना के साथ बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। धर्मानुरागी बंधुओं, जैसा कि आपको अनेक माध्यमों से जानकारी प्राप्त हो रही है कि विश्व में, भारत में सबसे बड़ा कार्य हो रहा है मांगी तुंगी में 108 फीट की प्रतिमा का निर्माण। ये निर्माण पूर्णता की ओर है और इस विशाल प्रतिमा का पंत कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फरवरी 2016 में होने जा रहा है। बंधुओं, दिगंबर जैन समाज के उन परिवारों को आज मैं पुनः प्रेरणा प्रदान करता हूँ। पर्युषण पर्व के शुभ अवसर पर आप कहीं न कहीं दान अवश्य देते हैं, छोटी राशि बड़ी राशि, लेकिन इस प्रतिमा के निर्माण में 1,08,000 रुपए की राशि जो 15 साल पहले घोषित की गई थी वो राशि अभी भी चल रही है। केवल आपको 2-3 महीने का समय है, अब से दीपावली तक आप इस प्रतिमा के निर्माण में, जिन्होंने अभी तक 1,08,000 रुपए नहीं दिया है, 1,08,000 रुपए की स्वीकृति टेलीफोन के द्वारा आप दे सकते हैं और अपनी सुविधा अनुसार दीपावली तक अथवा आप दिसंबर तक भी ये राशि प्रदान करके और प्रतिमा निर्माण का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप 1,08,000 रुपए की राशि खर्च नहीं करना चाहें तो आपको प्रेरणा है कि कम से कम इतने बड़े पंत कल्याणक में आप 1 कलश मस्तिकाभिषेक करने का पुण्य अवश्य लें। कलश की राशि 5100 रुपये भी है, 11,000 भी है, 25,000 भी है और इंद्रनाणी की राशि 1,00,000 रुपये अथवा 51,000 है। मैं चाहूंगा किसी न किसी राशि में मांगी तुंगी में होने वाले प्रतिमा निर्माण या पंत कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव या मस्तिकाभिषेक में आप लाभ अवश्य लें। जैसा कि आपको विदित है कि जैन समाज के सर्वोच्च साध्वी पूज्य गणनीय ज्ञानमती माता जी की पावन प्रेरणा से इस प्रतिमा का निर्माण पूरा हो रहा है और पूज्य माता जी स्वयं हस्तिनापुर से चलकर मांगी तुंगी आ चुकी हैं। इस पंत कल्याणक में विशेष रूप से हमारे आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा के सप्तम पट्टाचार्य अनेकान सागर महाराज और इसी परंपरा में आचार्य रैण सागर महाराज का भी प्रमुख सानिध्य हमें प्राप्त होगा। पूज्य ज्ञानमती माता जी सत्संग यहाँ विराजमान है, तो आइए और इस पंत कल्याण प्रतिष्ठा में फरवरी में अवश्य सम्मिलित होने का पुण्य। धर्मानुरागी बंधुओं, मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र पर फरवरी 2016 में होने वाले पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तिकाभिषेक, जो विश्व में सबसे बड़ी प्रतिमा का होने जा रहा है, 108 फुट की प्रतिमा अखंड पाषाण की, उसकी तैयारियां बहुत तेजी से चल रही हैं। मैं समस्त दिगंबर जैन समाज को आह्वान करता हूं कि इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा से, महामस्तिकाभिषेक से अवश्य जुड़े, इंद्रनाणी बनकर के धर्म लाभ लें, अन्यथा कम से कम 1 कलश भगवान ऋषभदेव के मस्तक पर, जो इतना विशाल मस्तक है, इतनी विशाल प्रतिमा है, उस पर 1 कलश अभिषेक करने का सुअवसर, स्वर्ण अवसर अवश्य प्राप्त करें। अगर आपकी अभी भी भावना हो तो 1,08,000 रुपए देकर के इस प्रतिमा के निर्माण में 1000 साल के इतिहास में अपना नाम अंकित करा सकते हैं।